दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि ये जो वैकेंसी है ये बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत जिला स्तर पे वैकेंसी निकाला गया है। इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है, कैसे अप्लाई किया जाएगा और ये आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं। पहला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिला बाल संरक्षण इकाई यानी कि DCPU के तरफ से ये आपका वैकेंसी निकाला गया है। इसमें से आपका पहला पोस्ट की अगर बात करें तो परामर्शदाता का निकाला गया है, जिसमें से एक पोस्ट पे निकाली गई है। जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और बात करें यहाँ पे उम्र सीमा की, तो 30 से 45 एज तक यहाँ कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी देख सकते हैं कि वेतन माह जो है 14,000 यहाँ पर, यानी कि 14,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्र से, यानी कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से MBA अगर किए हुए हैं तो यहाँ आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। या आप यहाँ पर PGD VA अगर किए हुए हैं या PGD BM किए हुए हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है। अगर बात करें यहाँ पे कार्य अनुभव की, तो ये आपका बाल विकास एवं जो कि से अगर यहाँ पे आप इससे रिलेटेड 2 वर्ष की आपकी यहाँ पे अगर कार्य अनुभव है तो यहाँ आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका दूसरा पोस्ट है, ये आपका सामाजिक कार्यकर्ता का पोस्ट है, जो कि ये आपका 2 पोस्ट में निकाला गया है। पहला जनरल और दूसरा ST पोस्ट में निकाली गई है। ठीक है, इसमें की भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं एज जो है क्राइटेरिया जो 30 से 45 रखी गई है और इसकी भी वेतन 14,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। इसकी भी अगर बात करें यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता की, तो सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र से आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे 2 वर्ष की कार्य अनुभव है तो यहाँ आपको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो लेखापाल का पोस्ट निकाला गया है, एक पोस्ट पे निकाली गई है। जनरल पोस्ट निकाला गया है, यानी कि कोई भी कैंडिडेट, आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर यहाँ पे बात करें वेतन की, तो इसका भी 14,000 यहाँ पर रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बता दें आपको कि शैक्षणिक योग्यता की, तो वांछित में यहाँ पर स्नातक, यानी कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर में यहाँ पर दक्षता, टेली का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टेली का आपको नॉलेज होनी चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्था से MCOM किए हुए हैं तो यहाँ आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सरकारी या यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 3 वर्ष की आपका यहाँ पे कार्य अनुभव होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंट विशेषक का, यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है, 4th पोस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे 30 से 45 एज तक यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी वेतन की बात करें तो 14,000 ही रखी गई है। बात करें यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता, तो सामाजिक कार्य में या समाज शास्त्र, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे आप यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड भी दिया गया है, जैसे सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MCOM या MCA अगर किए हुए हैं तो यहाँ आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। संबंधित कार्य से कम 2 वर्ष का यहाँ पे कार्य अनुभव आपका यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और कौन सा पोस्ट निकाला गया है। देख सकते हैं कि ये सहायक स डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से एक पोस्ट पे रखी गई है। 21 से 35 वर्ष कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 10,000 रुपये यहाँ आपको यहाँ पे वेतन दी जाएगी। बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, यहाँ देख सकते हैं संकाय में, किसी भी संकाय में अगर किसी भी रिलेटेड आप अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर दक्षता में आपको हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर टंकच की आपके पास यहाँ पर टाइपिंग होनी चाहिए।
यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है कि 30 वर्ड जो है पर मिनट आप यहाँ पे अगर टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में 35 वर्ड जो है पर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCA अगर यहाँ पे किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, कार्य अनुभव अगर है आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आपको प्रीफ्रेंस भी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है अकाउंटेंट, ये कार्यकर्त का पोस्ट है जिसमें से 2 पोस्ट का यहाँ पे निकाली गई है। 21 से 35 वर्ष कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। 8,000 रुपया यहाँ पे वेतन रखी गई है। प्रेसिका उत्तीर्ण आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसकी भी कार्य अनुभव 2 वर्ष रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं किशोरा न्याय बोर्ड की तरफ से, JJB की तरफ से ये पोस्ट निकाला गया है जिसमें से सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ठीक है। और ये लास्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट पे निकाली गई है। 21 से 35 कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। 9,000 रुपये यहाँ वेतन रखी गई है, ठीक है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त से आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर का जैसे कि हम आपको पहले भी बताए 30 वर्ड जो है पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अंग्रेजी में 35 वर्ड जो है पर मिनट आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एम देख सकते हैं कि BCA या MCA किए हुए हैं तो भी यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। 3 वर्ष कार्य अनुभव रखी गई है अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्लीज़ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है इसके बारे में। पहला अगर बात करें तो ये आपका 21/7/2022 यानी कि 21/7/2022 को ये आपका यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी आवेदन के लिए। अंतिम तिथि यहाँ पे रखा गया है 21/7/2022 तक यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि के बाद जो है आपका आवेदन जो है विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कैसे यहाँ पे भेजनी है। जिला स्तरीय पदों के लिए यहाँ पे विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रजिस्ट्री के द्वारा आपको भेज सकते हैं, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला समाज कल्याण जो कि कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई जिला पूर्वी सिंहभूम में आपको यहाँ पे आपका दिया गया है पिन कोड 8310-01 आप इस यहाँ तक की जो पते दिए हुए हैं इस पते पे आप यहाँ पे रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना इस आवेदन को भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसे अलग अलग आवेदन यहाँ पे फुलफिल करनी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे नियम एवं शर्तें जो दी गई है इसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं, इससे रिलेटेड जो है आपका इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसकी सारी इम्पोर्टेंट्स हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। पहला अगर बात करें उम्र सीमा, तो 1/8/2021 से आपका उम्र सीमा का गणना की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आवेदन विहित पत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन जो है आपको यहाँ पे अच्छी तरह से एक फॉर्म आपको हम दिखाएंगे अभी, उसे अच्छी तरह से आपको फुलफिल करनी है, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संबंधित शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात यह अंतिम चरण से संबंधित निर्गत किए होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें आपको कि सारी जो प्रमाण पत्र है वो आपका अटैच कर देनी है आपको आवेदन के साथ, जैसे कि ऑनलाइन स्थानीय प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है www.jamshedpur.nic.in पे भी जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेनी है, प्रिंट आउट करवा लेना है, इसको ईजिली आपको फुलफिल बहुत अच्छे तरह से केयरफुली करनी है, और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देनी है और स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे बताएं कि कौन सा पता पे करना है, तो एक बार हम आपको फिर से मेंशन कर देते हैं कि कौन सा पता पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करनी है। तो ये जो पता है जिला समाज कार्यालय जो कि कल्याण कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई जिला
पूर्वी सिंहभूम, ये आपका पिन कोड दिया गया है, ये आपका पता है, इस पते पे आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट कर देनी है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर